अमृत चौधरी और आज मैं आपके लिए आज की पावर पैक टेक न्यूज आया हूँ। सो विदाउट बीइंग सेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज की बात करते हैं तो Xiaomi का Mi Mix 2 फोन कल लॉन्च होने वाला है इंडिया में, यानी कि 10 अक्टूबर ट्यूसडे को, और ये फोन आपको मिल सकता है फ्लिपकार्ट पे। ये एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फोन होगा, तो देख लो आप, अगर आपको चाहिए तो ले लो। मैं शायद आपके लिए अनबॉक्सिंग इसका कर सकता हूँ, 100% कंफर्म नहीं हो पर ये फोन शायद मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो थम्स अप फॉर Xiaomi फॉर ब्रिंगिंग Mi Mix 2 टू इंडिया। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो ट्राई, यानी कि ट्राई के जो माई स्पीड एप्लीकेशन है, उन्होंने बताया है कि रिलायंस जियो टॉप स्पीड पे है, यानी कि टॉप डाउनलोड स्पीड है, स्पीड पे है सितंबर में, और आइडिया है टॉप अपलोड स्पीड सितंबर में। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनलोड स्पीड की सितंबर महीने की, तो रिलायंस जियो का है 18.433 Mbps पर सेकेंड। उसके बाद आता है वोडाफोन का 8.999 Mbps पर सेकेंड। उसके बाद आता है आइडिया का 8.746 Mbps पर सेकेंड। उसके बाद आता है एयरटेल का 8.550 Mbps पर सेकेंड, और अपलोड स्पीड आइडिया का है 8.something Mbps पर सेकेंड। तो काफी अच्छी बात है। रिलायंस जियो माई ट्राई बोलता है भाई रिलायंस जियो तुम फास्ट हो, ओपन सिग्नल बोलता है एयरटेल तुम फास्ट हो। पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो कौन सा बात सच है, किस पे हम लोग विश्वास करें। ट्राई की बात पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, पर अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने मुंबई में ट्राई किया, अपने बिहार में जहाँ रहता हूँ वहां पे रिलायंस जियो बिल्कुल एयरटेल के टक्कर में नहीं आता है, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड में तो बिल्कुल ही नहीं टक्कर में आता है। मैं तो भाई एयरटेल के बिल्कुल सपोर्ट में रहता हूँ, पर देख लो आप जिसकी आता है थम्स अप फॉर रिलायंस जियो। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Asus ने अपना Zenfone 4 सेल्फी लाइट करके एक फोन लॉन्च किया फिलीपींस में। तो बात करते हैं स्पेक्स किस में आपको मिलता है, 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 425, 2GB की रैम एंड 16GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसमें आपको मिलता है 13 MP का रियर कैमरा एंड 13 MP सेल्फी कैमरा के साथ, और इसमें आपको मिलता है 3000 mAh की बैटरी। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 10,000 रुपीज से, 10,000 और 11,000 का लॉन्च किया है। तो कृपया Asus इंडिया मत लाना, वाहियात फोन है। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो व्हाट्सएप का APK यानी कि जो बिजनेस वाला एप्लीकेशन है वो अब APK फाइल में आ गया है। तो मुझे अच्छे से इसके बारे में मालूम नहीं है, तो मैं कुछ रिसर्च करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, और ये एक सेपरेट ऐप होने वाला है। तो आपको अच्छी बात है अगर आप कुछ भी, अगर जो भी आप कहीं शॉपिंग वोपिंग करते हो, जैसे बुक माई शो हो गया, उनका भी एक बिजनेस व्हाट्सएप है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आपकी टिकट के बारे में या कुछ भी। तो देख लेते हैं व्हाट्सएप क्या धमाल मचा पाता है। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Honor का 7X फोन Geekbench पे पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको Huawei का खुद का Kirin का 659 SoC होगा, 4GB की रैम होगा और 5.5 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले होगा, जो कि 18:9 होने वाला है। तो देख लेते हैं Honor का 7X कब आता है और क्या प्राइसिंग, क्या धमाल मचा पाता है क्या नहीं। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो OnePlus 5 कि कुछ लीक्स आई है, बताया जा रहा है कि वो नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है, और एक वो बेजल लेस डिस्प्ले वाला फोन होगा OnePlus का 5। तो देख लेते हैं OnePlus 5T क्या रहता है। मेरे ख्याल से अब जो OnePlus के जो भी नए स्मार्टफोन्स आएंगे वो शायद Snapdragon S36 होगा और बेजल लेस डिस्प्ले होगा, 10GB रैम होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, पर 8GB रैम तो जरूर होगा। तो देख लेते हैं OnePlus 5T किस प्राइसिंग से लॉन्च करते हैं। प्राइसिंग खाली OnePlus नहीं बढ़ा, अगर प्राइसिंग सही रखे तो काफी अच्छा फोन हो जाएगा OnePlus का 5T। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो BlackBerry ने अपना एक मोशन फोन लॉन्च कर दिया है, तो जो कि आता है QWERTY कीबोर्ड के साथ। इसमें आपको मिलता है एक 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, Snapdragon 625, 4GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 12 MP का रियर कैमरा, 8 MP सेल्फी कैमरा के साथ, और ये आपको मिलेगा सिर्फ UAE में और सऊदी अरेबिया में। प्राइसिंग की बात करें तो $460 रखी गई है, इंडियन करेंसी में 30,000 रुपीज होती है। तो बहुत ही ओवर प्राइस फोन है यार, क्या यार क्या करते हो ब्लैकबेरी, तुम क्या करे बताओ, तो छोड़ो यार। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Redmi, अगर आप Redmi Note 4 नहीं खरीद पा रहे हो ओपन सेल में तो भाई चला गया है डिस्काउंट के साथ भी, अगर आपको अभी भी खरीदना है, अगर आपके बगल में बिग बाजार है तो Redmi Note 4 और Redmi 4 के हर एक मॉडल्स आपको बिग बाजार में मिल सकते हैं। ऐसा बिग बाजार ने ट्वीट कर दिया है कि अब
Redmi Note 4 और Redmi 4 आपको मिलेगा। तो Xiaomi ने काफ़ी सारे ऑफलाइन रिटेलर्स के पास भी जा रहे हैं, वो अपने ऑफलाइन मार्केटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैन कर रहे हैं। तो थम्स अप पर Xiaomi, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाओ, अच्छे प्राइसिंग पर लाओ, तो तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो इंडिया में। तो अगर आप भी कोई चाहते हो खरीदना है मोबाइल तो जाके खरीद लेना। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो HP ने अपना काफ़ी सारे लैपटॉप्स लॉन्च किए इंडिया में, बोलते हैं पेवेलियन पावर लैपटॉप्स, जो कि प्राइसिंग स्टार्ट होता है 78,000 से। तो तीन मॉडल लॉन्च किए हैं, एक है HP पेवेलियन पावर 15 CB052 TX, एक है CB072 TX और एक है CB053 TX। तो 52 TX की प्राइस लिखी गई है 99,990 रुपीज़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपीज़, और CB072X की प्राइस लिखी गई है 73,990 रुपीज़, और रखी गई है 53 TX की प्राइसिंग 89,990 रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छे तरह लैपटॉप लॉन्च किए गए हैं HP की तरफ से। तो देख लो भाई आप लोग, जैसा भी है जो भी है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Acer ने अपना Nitro 5 Spin 2-in-1 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जो कि आता है एक दो मॉडल के साथ, एक आता है Intel का i5 और एक आता है Intel का i7। तो Intel i5 की प्राइसिंग है 79,990 रुपीज़ और Intel i7 की प्राइसिंग है 94,990 रुपीज़। तो आप देख लो ये गेमिंग तरह के लैपटॉप्स हैं, तो जैसा भी जिसको चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Redmi Note 5 की कुछ लीक्ड इमेजेस आई है, स्क्रीन पे देखो फोटो बता जा रहा है कि उसमें आपको एक बेजल डिस्प्ले मिलेगा जो कि 18:9 मिला होगा। इसमें आपको मिलेगा एक डुअल कैमरा मिल सकता है। तो देख लेते हैं Xiaomi Redmi Note 5 कब आता है और क्या धमाल मजा पाता है। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करें तो Reliance Jio अपना पेमेंट्स बैंक लॉन्च कर सकता है दिसंबर में। Reliance Jio शायद वो SBI के साथ कुछ ला सकता है दिसंबर में। तो देख लेते हैं Reliance Jio पेमेंट्स बैंक का किस इंटरेस्ट रेट के साथ आता है और अच्छे से कर पता ही नहीं कर पता है, क्योंकि Airtel का पेमेंट बैंक काफ़ी अच्छा है, Paytm का काफ़ी गंदा पेमेंट बैंक है। तो देख लेते हैं Reliance Jio किस तरीके से अपना पेमेंट बैंक लाता है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों यही रेट की उसके बाद जो टेक न्यूज आया मैंने आपको बता दिया। और रिव्यू अपडेट्स की बात करो तो रिव्यू अपडेट्स कुछ नहीं है, Mi Mix 2 की अनबॉक्सिंग शायद आएगी, नॉट 100% कंफर्म, 50-50 है, तो देख लेते हैं कब आएगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, इफ यू डिडंट वोट इट ऑन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो दिस इज अमृत साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट टेक न्यूज एंड नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट।